क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ेंगे। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड आकर के जुड़ता है। जैसे एसिटिल क्लोराइड को आप लोग जानते हैं, उसका नाम क्या होता है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड होता है। मान लीजिए बेंजीन है आपका, क्या है, बेंजीन है ना, इससे कौन जुड़ गया, CH3COCl, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। और उत्प्रेरक अभी क्या लिए थे, निर्जल एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या, AlCl3 लिए थे, बोलिए लिए थे ना। अब क्या होगा, सेम टू सेम वही चीज़, यहाँ यहाँ का H और यहाँ का Cl, चले जाते हैं बाजार घूमने, HCl गए। अब यहाँ से Cl गया, यहाँ से H गया, कौन बचा, COCH3, बोलो बचा ना, तो यहाँ पर जोड़ दो, बेंजीन COCH3, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बोलते हैं, क्लियर है बात, एसिटोफिनोन। अब इसके बाद अगर हम चाहें कि मेथिल के साथ क्रिया कराएं, किसके साथ क्रिया कराएं, मेथिल के साथ, जैसे मेथिल कैसे, यहां पर अभी H था, अब क्या लगा दें, यहाँ पर हम लगा दें CH3, तो क्या हो गया, टालुविन, क्या हो गया, टालुविन, टालुविन। और यहाँ से क्रिया सेम टू सेम ले लें, CH3COCl, इसे क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या ले लें, वही सेम टू सेम एनहाइड्रस AlCl3 ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया है, अब यहाँ CH3 लगा है ना, तो यहाँ ये जो Cl निकलेगा, या तो आर्थो वाला या चलेगा या तो पैरा वाला, या तो आर्थो वाला या तो पैरा वाला, मेटा वाला नहीं लेगा, कारण मैंने पीछे बताया आपको, क्योंकि CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो आर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, न कि मेटा पर। यहाँ तो या तो यहाँ का H ले सकता है, या तो यहाँ का H ले सकता है। चलो मान लो यह Cl यहाँ का लिया, तो बाहर हो गया Cl, अब यही CO यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 और यहाँ क्या, COCH3, आर्थोमेथिल एसिटोफिनोन नाम पड़ेगा। अगर ये मान लो आपका यहाँ से Cl यहाँ से H लेता, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो यहीं पर ये CO आकर के यहीं अटैक करता, तो एक आर्थो पर बनेगा और एक कहाँ बनेगा, बताओ भाई, एक आर्थो पर बनेगा और एक कहाँ बनेगा, पैरा पर, मतलब COCH3। तो ये आर्थो लिख देता हूँ, आर्थोमेथिल, आर्थोमेथिल, और ये क्या है, एसिटोफिनोन, आर्थोमेथिल एसिटोफिनोन, फिनोन, और ये क्या है, पैरा मेथिल एसिटोफिनोन, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब एसिटिल क्लोराइड जुड़ रहा है, तो जब एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे, तो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का निर्माण होगा, और इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इसी में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम आगे अगर टालुविन से क्रिया कराएंगे, तो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है और ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में अंतर देखें, छोटा सा अंतर है, क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन के साथ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, टालुविन बनाएगा, या वहाँ जाइलिन भी बन सकता है, अगेन हम रिएक्शन कराएंगे जैसे कि मैंने पीछे बताया। लेकिन एसाइलेशन में क्या होगा, जब बेंजीन के साथ CH3COCl एसिटिल क्लोराइड
क्रिया करेगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर बच्चों एसिटोफिनोन बनाएगा और इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर है बात। अब ये आप जरा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं मैकेनिज्म पे आता हूँ। मैकेनिज्म पे तो सब लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। आइए आगे मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ भी मैकेनिज्म उसी प्रकार की होगी जैसे यहाँ हुई थी अभी कुछ देर पहले। आइए मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म आप समझ लीजिएगा, मैं यमी लिख दे रहा हूँ, यमी फॉर मैकेनिज्म। ठीक, सबसे पहला काम क्या होता है, CH3COCl प्लस AlCl3 रिएक्शन है रो। अब क्या होता है, ये क्लोरीन यहाँ से ले लेगा, बोलो, तो यहाँ से क्लोरीन माइनस के रूप में लेगा, तो AlCl3 था क्लोरीन माइनस लिया तो क्या हो जाएगा AlCl4, और क्लोरीन माइनस के रूप में आता अपना माइनस चार्ज भी लाएगा, बोलिए बनेगा प्लस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ CH3CO बना और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं एसीलियम आयन। क्या बोलते हैं, एसीलियम आयन बोलते हैं, एसीलियम आयन। अब क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, एसीलियम आयन बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा, कराते हैं अटैक। ये अब यहाँ से कौन आ गया, एसीलियम आयन CH3CO+, बोलिए सही है। अब ये जब यहाँ अटैक करेगा तो अटैक प्लस कहाँ अटैक करता है, जहाँ माइनस मिलता है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर कुछ है नहीं ना, तो मान लीजिए इस पाई बॉन्ड को हमें क्या करना है, ब्रेक कराना है। पाई बॉन्ड को हमें क्या कराना है, ब्रेक कराना है। तो जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो होगा नहीं। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ कौन से आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर पहले से कौन जुड़ा हुआ है, H, पहले से कौन जुड़ा है, H हाइड्रोजन, भाई सब जगह बेंजीन पे हाइड्रोजन है। अब ये पाई हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस के अपोजिट में क्या आएगा, प्लस। अब ये जब यहाँ माइनस जा रहा है तो ये यहाँ पर जाके क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। चलो कराते हैं, तो यहाँ पर क्या था, एच, यहाँ से ये आ जाएगा तो सी ओ, एसीलियम को मिटा देते हैं, सी ओ सी एच थ्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ऐड हो गया, अब वो पाई उधर गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई, बोले सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्लस चार्ज आया तो ये फिर यहाँ कूद जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार है हमारा। यहाँ पर कूदेगा पाई और यहाँ पर पाई और क्या चार्ज, कौन चार्ज, प्लस। अब इधर क्या था, सी ओ सी एच थ्री, और इधर क्या था, एच, प्लस का मतलब फिर पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो प्लस उधर शिफ्ट हो जाएगा, अगला स्ट्रक्चर तैयार है पाई और यहाँ क्या होगा, पाई, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब जब प्लस आ गया यहाँ पर एच और यहाँ पर सी ओ सी एच थ्री, बोलो समझ में आ रही बात सबको, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, किसकी बात करेंगे बच्चों, थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड स्टेप में हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, पाई पाई और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है एच और इधर क्या है सी ओ सी एच थ्री। अब देखिए फाइनली हमारे पास यहाँ शुरुआत में क्या बचा था, AlCl4 माइनस, उसी को हम ले लेंगे AlCl4 माइनस लिए। अब क्या करेगा, जैसे यहाँ प्लस चार्ज आया, प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और जैसे यहाँ पाई आएगा तो एच पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, बोलो भाई, और एच पर प्लस आएगा तो यहाँ का ये माइनस एच को प्लस को लेकर के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ पर क्या है, पाई, यहाँ पर क्या है, पाई, और यहाँ पर क्या है, पाई आ गया,
प्लस चार्ज कहाँ गया, एच पर, एच का प्लस और यहाँ से एक सी एल माइनस, बाहर क्या हो जाएगा, एच सी एल बाहर हुआ। उसके बाद बच्चों, उसके बाद यहाँ से क्या बन जाएगा, ए एल सी एल थ्री, यही तो शुरू में हमने लिया था, यहाँ देखो ए एल सी एल थ्री, जैसे ए एल सी एल थ्री लगा था वैसे ही ए एल सी एल थ्री क्या हो गया, बाहर हो गया। और यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा बॉन्ड सॉलिड आपका क्या बन जाएगा, सी ओ सी एच थ्री, ये तो जुड़ा ही रहेगा, इसको तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हटा कौन, एच, तो ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन। अब इसके बाद अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ लो आराम से, हमें कोई समस्या नहीं है। तो ये है बच्चों आपका क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैंने एल्काइलेशन और एसाइलेशन में दोनों की आपको मैकेनिज्म सिखाई, दोनों को बताया गहराई से क्या होता है। तो आप सभी बच्चे इस पर बने रहिए। यहाँ पर मैंने केवल एक टाइप का बताया है कि जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप जुड़ेंगे, बेंजीन रिंग में ऐसे ग्रुप जुड़ेंगे जिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकें, बढ़ा सकें, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो आर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। लेकिन जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाले जुड़ जाएंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जुड़ेंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पर होगा। और कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बने रहिए हरिओम क्लासेस चैनल के साथ और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।